नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कैबिनेट में पहुंचे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का बैठक है आज और उस बैठक में तेजस्वी यादव रवाना होने के लिए निकल रहे हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि जिस तरीके से कल लालू प्रसाद यादव के मामले में जो लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, उस मामले में लालू प्रसाद यादव की जो संपत्ति है उसको ईडी ने अटैच किया है और सवाल यही है। और इसी सवाल को जानने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि तेजस्वी यादव ने सीधे इस बात पर बोलने से इनकार कर दिया है फिलहाल और वो सीधे कैबिनेट के लिए रवाना हो गए हैं। कैबिनेट में आज कई तरह के एजेंडों को लेकर बैठक होनी है। कई जो विभाग है उसमें जो रिक्त पदे हैं, जिस पर बहाली होने की जो बात है, तो उन तमाम मुद्दों पर भी कैबिनेट में चर्चा होना है और उसी के लिए आज तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपत्ति ईडी ने अटैच किया है उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम जो है वो शामिल किया गया है और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो तेज है कि आखिरकार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ क्या होगा। क्योंकि कब से ये चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव को जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा, उनके नाम से जो चार्जशीट है वो हो गया है। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर अब बिहार की सियासत भी तेज है और ऐसे में लगातार बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू है। नेता प्रतिपक्ष ने भी इसको लेकर जो है वो जोरदार हमला किया है तेजस्वी यादव के ऊपर और साथ ही साथ यह कहा है कि जो काम है वो अपना कर रही है, जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज लालू प्रसाद यादव को दिल्ली भी रवाना होना है और संभवतः तेजस्वी यादव भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे, ये भी खबरें निकलकर सामने आई है। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव कैबिनेट की बैठक के लिए रवाना हो रहे, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सर्कुलर रावड़ी हाउस की, जहां से तेजस्वी यादव निकल रहे थे और यहां पर तमाम लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि जो बयान और जो ईडी ने संपत्ति अटैच किया है तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है 6 करोड़ की जो संपत्ति है उसको ईडी ने अटैच किया है। और इससे पहले आरजेडी के नेताओं की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा 2017 में भी 9 करोड़ की संपत्ति को उन्होंने अटैच किया, क्या हुआ उस वक्त। और अब देखना है कि आखिरकार होगा क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव दिल्ली भी जाएंगे और साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी जाएंगे। आगे होना क्या है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएँ काफ़ी तेज है बिहार में। और वहीं आरजेडी के लोग भी जो कह रहे हैं कि ईडी का जो अधिकारी है उनका विस्तारीकरण किया गया है, तो बस विपक्ष के नेताओं को तबाह करने के लिए ही इस तरीके से जो है वो किया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।